हेलो नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है प्रभाष कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 68 बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का प्रैक्टिस सीरीज। 12th मई को आपका एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारा एपिसोड्स चल रहा है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय अज्यूमिंग कि हमें एग्ज़ाम में थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो उसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। द रैंक ऑफ एम क्रॉस एन, द रैंक ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एम लेस देन एन, एम लेस देन एन कैनॉट बी मोर देन cannot be more than, और options है आपको m, n, mn और none, m, n, mn और none। basic सा question, लेकिन अगर BPSC ने पूछा तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। The rank m cross n matrix where m is less than n cannot be more than this। तो rank सबसे पहले आप identify करो कि rank होता क्या है। Rank किसको बोलते हैं? Rank होता है number of independent rows, independent rows। So rank क्या होता है? Number of independent rows of a matrix। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारा कन्वेंशन रहेगा रोज को लेकर के चलने का। तो जब कभी भी कुछ इस तरह का लिखा होता है, जैसे हमने लिख दिया m क्रॉस n, तो इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसको एक कोई भी उदाहरण से लेकर के समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। तो सपोज अगर हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं और इस मैट्रिक्स में सपोज हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? कितने रोज हैं? एक रो, दो रो। कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3। सो दिस इज 2 क्रॉस 3। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब रैंक हमें पता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 और 2। अब बाबू ये बताओ कि अगर टोटल 2 ही रो है तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रोज कितने हो सकते हैं? तो 2 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा, 2 से ज्यादा तो इंडिपेंडेंट रोज हो नहीं सकते। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज क्या हो सकते हैं? वो 2 ही हो सकते हैं। इट कुड बी मैक्सिमम अप टू 2 ओनली। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है, मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। सो इंडिपेंडेंट रोज कितना है? मैक्सिमम, सो दैट इज 2। सो 2 आपके इंडिपेंडेंट रोज मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रोज आपका हो गया है 2, इसीलिए क्या बोल सकते हो? इसका जो रैंक है वो मैक्सिमम कहां जा सकता है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिया हुआ है? देखो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप लिख सकते हो द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास में 0, 1, 1, 0, R, ऑप्शन ए 1, 1,
ऑप्शन बी माइनस वन कॉमा माइनस वन, ऑप्शन सी जे कॉमा माइनस जे, जे कॉमा माइनस जे एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन। सो आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू करना होता है जीरो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डिटर्मिनेंट ले लो और ये जो मैट्रिक्स है ना इसके डायगोनल से लैम्डा को माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो माइनस लैम्डा, ये वन एज इट इज रह जाएगा, ये वन होगा और इसके डायगोनल में ये जीरो है, सो जीरो माइनस लैम्डा हो जाएगा और इसको कर देना आपको जीरो। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा ये वन और ये वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसको निकालोगे तो क्या होगा? माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा दैट इज लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? और इसको आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, सो लैम्डा प्लस वन इंटू लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आप उधर लिखना, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो आंसर क्या आ गया? माइनस वन कॉमा वन, एक वन है और एक माइनस वन है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी छोटे छोटे रखेंगे ताकि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप कान में हेडफोन लगा करके देख लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है? लेंदी लेक्चर से कोई फायदा नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में विथ सम वन टू और थ्री क्वेश्चंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।